नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ वीरजी मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य के पटना जंक्शन से गोवा राज्य के वास्को दी गामा स्टेशन तक चलने वाली पटना वास्को दी गामा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस ट्रेन की बेसिक जानकारी, इस ट्रेन की कोच की संख्या और कोच पोजिशन के बारे में, इस ट्रेन के किराए के बारे में और इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। इस ट्रेन का इनॉग्रेशन 20 दिसंबर 2008 में हुआ था। यह ट्रेन बिहार राज्य के पटना जंक्शन से गोवा राज्य के वास्को दी गामा स्टेशन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 12742। इस ट्रेन की रिटर्न जर्नी रहती है वास्को दी गामा से पटना तक, जिसका नंबर है 12741। इस ट्रेन को पटना वास्को दी गामा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन किसी अन्य ट्रेन के साथ अपने रेक शेयर नहीं करती। यह ट्रेन पटना से वास्को दी गामा तक तकरीबन 2228 किलोमीटर अंतर 38 घंटे और 15 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 58 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को सुपरफास्ट ट्रेन की कैटेगरी में डाला गया है। यह ट्रेन पटना जंक्शन से सप्ताह में सिर्फ शनिवार को वास्को दी गामा के लिए डिपार्ट होती है। इस ट्रेन को साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में ICF श्रेणी के 23 कोच लगते हैं, जिनमें सेकेंड टायर AC के 2, थर्ड टायर AC के 2, स्लीपर के 12, जनरल के 4, SLR 2 और पार्सल का एक कोच शामिल रहता है। इस ट्रेन की कोच पोजीशन अभी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो कृपया पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में, जिनमें पटना से वास्को दी गामा तक का स्लीपर का किराया रहता है 815 रुपया, जिनमें बेस किराया, रिजर्वेशन चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल है। AC थर्ड टायर का किराया रहता है 2135 रुपया और AC सेकेंड टायर का किराया रहता है 3145 रुपया, जिनमें बेस किराया, रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST शामिल है। दोस्तों, वक्त के साथ ट्रेन की बेसिक जानकारी, कोच की संख्या और कोच पोजीशन, किराया और टाइम टेबल में बदलाव हो सकते हैं, तो कृपया अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। यह ट्रेन 5 राज्यों को जोड़ती हैं, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा राज्य शामिल हैं। यह ट्रेन 19 स्टेशनों पर रुकती है और 316 इंटरमीडिएट स्टेशन को पार करती है। इस ट्रेन की जर्नी बिहार राज्य के पटना जंक्शन से दोपहर को 2:05 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शुरू होती है। इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है अरा। अरा जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 2:44 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 2:46 पर रवाना हो जाती है बक्सर स्टेशन के लिए। बक्सर स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 3:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 3:32 पर रवाना हो जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बक्सर स्टेशन जो है बिहार राज्य में अपनी इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रैवल करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 5:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 5:45 पर रवाना हो जाती है प्रयागराज चिवकी जंक्शन के लिए। प्रयागराज चिवकी जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 8:00 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 8:02 पर रवाना हो जाती है सतना जंक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रयागराज चिवकी जंक्शन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है मध्य प्रदेश राज्य में ट्रैवल करेगी। मध्य प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है सतना जंक्शन। सतना जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 10:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद रात को 11:00 रवाना हो जाती है कटनी जंक्शन के लिए। कटनी जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 12:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 12:22 पर रवाना हो जाती है जबलपुर स्टेशन के लिए। जबलपुर स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 1:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 या फिर 2 पर पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 1:45 पर रवाना हो जाती है इटारसी जंक्शन के लिए।
इटारसी जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 5:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 5:20 पर रवाना हो जाती है खंडवा जंक्शन के लिए। खंडवा जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 7:58 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद सुबह 8 रवाना हो जाती है भुसावल जंक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खंडवा जंक्शन जो है मध्य प्रदेश राज्य में अपनी इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है महाराष्ट्र राज्य में ट्रैवल करेगी। महाराष्ट्र राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है भुसावल जंक्शन। भुसावल जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 9:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद सुबह 10 रवाना हो जाती है मनमाड़ जंक्शन के लिए। मनमाड़ जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 12:37 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 3 मिनट के होल्ड के बाद 12:40 पर रवाना हो जाती है नासिक रोड स्टेशन के लिए। नासिक रोड स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 1:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 1:45 पर रवाना हो जाती है कल्याण जंक्शन के लिए। कल्याण जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 4:22 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचती है। 3 मिनट के होल्ड के बाद 4:25 पर रवाना हो जाती है पनवेल जंक्शन के लिए। पनवेल जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 5:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 5:20 पर रवाना हो जाती है चिपलुन स्टेशन के लिए। चिपलुन स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 9:18 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 9:20 पर रवाना हो जाती है रत्नागिरी स्टेशन के लिए। रत्नागिरी स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 10:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 10:45 पर रवाना हो जाती है सावंतवाड़ी रोड स्टेशन के लिए। सावंतवाड़ी रोड स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 1 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 1:02 पर रवाना हो जाती है थिविम स्टेशन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सावंतवाड़ी रोड स्टेशन जो है महाराष्ट्र राज्य में अपनी इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है गोवा राज्य में ट्रैवल करेगी। गोवा राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है थिविम। थिविम स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 1:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 1:32 पर रवाना हो जाती है मडगांव जंक्शन के लिए। मडगांव जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 3 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 3:10 पर रवाना हो जाती है इस ट्रेन की आखिरी मंजिल के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मडगांव जंक्शन पर अपनी इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स होता है, यानी कि अपनी यह जो ट्रेन है रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। इस ट्रेन का आखिरी मंजिल स्टेशन रहता है वास्कोडी गामा। वास्कोडी गामा स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 4:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। अपनी यह ट्रेन पटना से वास्कोडी गामा तक तकरीबन 2228 किलोमीटर अंतर तय कर चुकी होती है। इस ट्रेन के बारे में बताऊं तो इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं दी जाती, ऑनबोर्ड और कैटरिंग की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा बेडरोल यानी कि लिनन की भी सुविधा इस ट्रेन में दी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।